हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस एलएलबी के ऊपर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 4 पढ़ा था, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 5, एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रॉपर्टीज, जो सेक्शन 5 टू 29 सेक्शन, ये सभी इंटरस्टेट सक्सेशन से रिलेटेड ही होंगे। आगे तो सेक्शन 5 को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 जो एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रॉपर्टीज, सेक्शन 5 बताता है कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर ये एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, अप्लाई नहीं होगा। इसमें तीन चीज़ें हैं जिन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। जो सेक्शन 5 का फर्स्ट है, एनी प्रॉपर्टी सक्सेशन टू विच इज़ रेगुलेटेड बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 बाय रीजन ऑफ द प्रोविजन कंटेंड इन सेक्शन 21 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। आपको पढ़ने से ही समझ आ गया होगा वैसे। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत रेगुलेट की जाती है, उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदू के ऊपर अप्लाई होता है सिर्फ, लेकिन जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है, वो जो और सभी जो इंडिया के अंदर रहने वाले हैं सभी सभी के ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लगता है, लेकिन हिंदुओं के लिए अलग से बना था ये एक्ट, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन इंडियन सक्सेशन एक्ट उनके ऊपर लगता है जिनके ऊपर ये हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होता। अब इसमें एक सेक्शन 21 की बात करी गई और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करी गई है। स्पेशल मैरिज एक्ट में जो अलग धर्म के लोगों का विवाह होता है, उनका डाइवोर्स भी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग होता है जो हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है। अगर किसी की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई है और ऐसी शादी होने के बाद अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, और उसका एक बच्चा है, तो उस बच्चे की प्रॉपर्टी कैसे आएगी उसके नाम? मतलब अगर दो बच्चे हैं, मान लो एक हस्बैंड वाइफ हैं, उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी कर ली, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की, बच्चों के नाम कैसे आएगी? वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के थ्रू नहीं आएगी, उसके ऊपर अप्लाई होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा उसके ऊपर, क्योंकि जो उनकी मैरिज है वो हिंदू जो स्पेशल मैरिज एक्ट से हुई है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग नहीं हुई है। अगर उनकी वसीयत होती तो प्रॉपर्टी ऐसी ही आ जाती थ्रू विल आ जाती, लेकिन अगर वसीयत नहीं है तो उनके ऊपर जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है ये लागू नहीं होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा 1925। तो यही इसके अंदर बताया गया सेक्शन 5 के 1 के अंदर। अब सेक्शन 5 का 2 है, एनी एस्टेट विच डिसेंट टू ए सिंगल हायर बाय द टर्म्स ऑफ एनी कवनेंट ऑफ और एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द रूलर ऑफ एनी इंडियन स्टेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय द टर्म्स ऑफ एनी एनेक्टमेंट पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इसमें बात करेगी ये राजा महाराजाओं ने अगर अपनी जो प्रॉपर्टी है किसी कोगनेट के थ्रू, किसी एग्रीमेंट के जरिए गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी, तो उस प्रॉपर्टी पर भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ऐसी प्रॉपर्टी जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम राजाओं के पास प्रॉपर्टी थी, राज्य बन गए थे मतलब, ठीक है, और जो राजाओं को बता दिया कि आप प्रॉपर्टी जो है आपकी, कि आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर शासन करेंगे, उस प्रॉपर्टी के ऊपर शासन करेंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो आपकी नहीं होगी, या जिसको उस टाइम नहीं कहा तो जो वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी को तो कह दिया था कि ये प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लो लेकिन बाद में गवर्नमेंट की होगी, कुछ को उन्होंने नहीं कहा था, जिनको नहीं कहा था उनके ऊपर ये एक्ट जो है लागू नहीं होगा। इस एक्ट के बनाने से पहले क्लियर हो गया था, अगर किसी प्रॉपर्टी को किसी को बता दिया गया था कि उसकी है, डॉक्यूमेंट जो है वो पहले जो चल रहे थे वही चलेंगे, तो ये एक्ट जो है वो नहीं लगेगा उसके ऊपर। गवर्नमेंट के साथ अगर राजा महाराजों का कोई एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट के थ्रू ही सब होगा, तो ये एक्ट नहीं लगेगा। अब सेक्शन जो 6 है इसका 3 है, बलेमामा थम्पुरा कोविलगम स्टेट की जो प्रॉपर्टी होगी या उस पैलेस का जो फंड होगा जिसको पैलेस फंड एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उस फंड पर भी हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा। कुछ राजाओं की जो प्रॉपर्टी थी उनको गवर्नमेंट ने ले लिया था, उसके बाद चाहे वो वसीयत लिखें या ना लिखें, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ये एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि पहले गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट हो गया था। 29 जून 1949 जो पैलेस थे वो गवर्नमेंट के अंडर आ गए, उन पर भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 5 कंप्लीट हो चुका है, अब सेक्शन 6 पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन पार्सनरीज प्रॉपर्टीज, जो सेक्शन 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लॉ स्टूडेंट्स के साथ। बाय बाय।